मान निधि बढ़ा देंगे तो ये रेवड़ी तो ये हुई, ये कह रहे हैं अनुराग। मुझे लगता है कि वो वादे करना और राजस्थान के जिस परिपेक्ष में आप बात कर रहे हैं उनको डिलीवर करना, वो तो बहुत दूर की बात है। पहले की बात करते हैं ना, जो वादे कर रहे थे उस समय की बात कर लें। सबसे पहले तो वादों में सीरियसनेस कब होती है? जब आपको पता है आप वादा क्या कर रहे हैं। जब आदमी को यही नहीं पता कि पिछले साल वादे, वादों को ही रिपीट करे जा रहा हूं मैं, तो उसमें कितनी सत्यता होगी। आपने थ्री इडियट्स देखी होगी, है ना? उसमें जो चतुर राम लिंगम का कैरेक्टर है, वो अपने प्रिंसिपल और अपने एक नेता को इंप्रेस करने के लिए लेक्चर लिखवाता है हिंदी में दुबे जी से। तो दुबे जी उसको कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, याद कर लो, इसको समझ लो। दुबे जी, हाँ, समझ लो इसको पहले। नहीं दुबे जी, आई विल मेमोराइज, रट्टा लगा लूंगा मैं। ये रट्टा वेकेशन वाले मुख्यमंत्री, मतलब बताओ पिछले साल का बजट पढ़ दिया। इतना बड़ा चीफ मिनिस्टर ऑफिस होता है, उसकी एक निजता होती है, उसका एक कोड होता है, जो उसको बजट को बनाते हैं उनका फोन रखा जाता है, उनको वहां पर रखा जाता है, उनको घर से नहीं मिलने दिया जाता। और वहां पर बैठकर अशोक गहलोत जी ने पहले तो पढ़ दिया 8 मिनट, बीच में फिर जोशी जी आए, उन्होंने कहा अरे सर गलत पढ़ रहे, अरे कुछ नहीं, चलिए आप पीछे जाइए, फिर से पढ़ दिया। खैर छोड़ दीजिए इस बात को, ये इनका एक बार का नहीं है, ये कांग्रेस गलती हो जाती है। रिपीटेड मोड पे अगर गलती करेंगे तो सबसे होती है, ठीक है, किससे नहीं होती। रिपीट मोड पे अगर गलती करेंगे तो सीरियल ऑफेंडर माना जाएगा कि नहीं? ये छोटी गलती है, आप इसको छोटी गलती समझते हैं? एक आदमी जिसने पिछले साल बजट पेश किया था वो उसी को पढ़ रहा है, उसे याद नहीं है कि पढ़ रहा हूं मैं उसी को, और कम से कम 50 लोग मिलकर कर रहे हैं। और एक और चीज, ये एक बार की गलती नहीं है। आप याद करिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स संभालने वाले SM कृष्णा जी यूनाइटेड नेशंस में भाषण दे रहे थे, उनसे पहले पुर्तगाल के मंत्री भाषण देकर गए थे, वो SM कृष्णा जी आए, वो पुर्तगाल वाले मंत्री की स्पीच पढ़ना शुरू कर दिए। आप क्या सीरियसनेस से आपकी बात हो रही है? अब मुद्दे पर आ रहा हूं। नहीं, इनकी रियलिटी तो देखनी चाहिए ना जनता को, कि हमने कैसे कैसे मुख्यमंत्री हमारे देश में। अब आगे आते हैं, मेरा मानना है, निजी तौर पर मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी सोशल वेलफेयर की स्कीम एक कारपेट के हिसाब से नहीं बनाई जानी चाहिए। एग्जाम्पल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 100 करोड़ रुपए का घर है, अरविंद केजरीवाल उसको भी 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, है ना? किसकी सैलरी से काट के? मानक गुप्ता की सैलरी से काट के, क्योंकि उनकी सैलरी कुछ 1000 लाख होगी, उसमें से वो टैक्स भरते हैं, वो टैक्स का पैसा दिल्ली सरकार के पास जाता है, और वो जो 100 करोड़ रुपए की कोटी में रहता है वो उसको फायदा दे रहे हैं। मेरा अपना मानना है, जिस तरीके की आपने त्रिपुरा पर बात की, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आप मुझे एक चीज बताइए, 500 रुपए देना सोशल वेलफेयर है, किराया आधा करना सोशल वेलफेयर है, कोई दो राय नहीं है। उसके बाद सम्मान निधि बढ़ाना, या फिर यूं कहिए कि जिन किसानों के पास भूमि नहीं है उनको पैसा देना वेलफेयर है। 300 यूनिट हर किसी को देना कैसे वेलफेयर हो सकता है, आप मुझे बताइए। या फिर छोड़ दीजिए इसको, किसी को भी 70,000 लीटर पानी देना फ्री, टोटल कैसे वेलफेयर हो सकता है? वेलफेयर में आप एक फिल्टर लगाइए ना, स्मार्टफोन है गरीब, बिल्कुल है। मैं कहता हूं ये पूरे पूरे के पूरे कोरोना में आपके मेरे सबके बच्चे फोन से ही तो पढ़े, जरूरत है। गांव के बच्चे अगर जाएंगे तो उनको चाहिए चलाने के लिए। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए ना, ये जो ये पिछली बार भी सरकार में नहीं आई, यूपी में जो मुख्य विपक्ष LPG सिलेंडर एब्सोल्यूट है, वो तो जरूरत है, उन्होंने भी कहा है। मैं कह रहा हूं गहलोत साहब ने भी कहा, लेकिन 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 बुजुर्गों की पेंशन, मैंने मना नहीं किया, मैंने क्या कहा, रेवड़ी है। मैं फिर कह रहा हूं, आप किस तरीके से इसको लागू करेंगे वो महत्वपूर्ण है। सबके लिए अगर देने की आप बात करते हैं तो मुझे लग रहा है आप अपने ड्यू डिलिजेंस अच्छे से नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस अपना बजट पढ़ के भूल जाती है, भारतीय जनता पार्टी वादा करके भूल जाती है। फर्क इतना ही तो है। उन्होंने भी कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल, मिला क्या? नहीं, नहीं मिला क्या? किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, हुआ क्या? तो ये वादा करके भूल जाते हैं, वो पढ़ के भूल जाते हैं। जनता बिचारी परेशान है, जनता बिचारी परेशान है कि भैया किस पे यकीन करें। एक वादा करता है वो बस आज तक 300 किलोमीटर हाईवे पे थमे हुए हैं, एक वादा करके भूल रहा है, एक पढ़ के भूल जा रहा है। अब जनता जाए तो जाए।